बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 22 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11 हमने शुरू किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका आज टॉपिक है हमारा अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिखा है अल्केन्स के बारे में थोड़ी सी बात। अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हो। कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, चार के चारों अगर सिंगल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो अल्केन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी अल्केन है। दूसरी की शनाख्त कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तीसरी शनाख्त पैराफिन जिसे कहते हैं। पैराफिन मतलब लेस अफिनिटी या लिटल रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिव। जो पैराफिन है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, पैरा लेस या लिटल, अफीन अफिनिटी या रिएक्टिविटी, लेस रिएक्टिव। ये अल्केन चूंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है इसलिए ये दूसरी चीजों से कम रिएक्शन करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद मैंने लिखा जनरल फार्मूला CnH2n+2 इनका जनरल फार्मूला है, जहां एन का मतलब कार्बन की तादाद है, यानी अगर एन वन करेंगे तो कार्बन की तादाद एक हो गई, एन दो हो गया कार्बन की तादाद दो होगी, और एन की वैल्यू 1 से लेकर 40 तक होती है अल्केन्स में। इससे ज्यादा भी होती है लेकिन अल्केन्स में 40 तक जाती है। उसके बाद आती है होमोलोगस सीरीज। ये जो अल्केन है ये एक होमोलोगस सीरीज है, इसी तरह अल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है, इसी तरह अल्काइन एक होमोलोगस सीरीज है। मैंने आपको पहले 10 कंपाउंड के नाम याद कराए थे, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन बीकेन। ये 10 कंपाउंड के जो नाम थे ये असल में एक सीरीज है, सीरीज है। इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसमें दो चीजों के दरमियान फर्क सेम हो, जैसे इवन नंबर्स की सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, हर दो मेंबर्स में कितना फर्क है, दो का, 2, 4 में 2 का फर्क, 4 और 6 में 2 का, 6 और 8 में जो दो कंजेक्टिव मेंबर है अगला पिछला उसमें 2 का फर्क है, सेम डिफरेंस है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन थोड़ी शुरू करते हैं कि होमोलोगस सीरीज कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। कंपाउंड का ऐसा ग्रुप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है होमोलोगस सीरीज की, जैसे हर होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फार्मूला जरूर होता है, जैसे अल्केन का भी जनरल फार्मूला, अल्कीन का भी, अल्काइन का भी। अब इसे याद रखने का तरीका यह है कि आप दरमियान वाले का याद रखें, अल्कीन का CnH2n, इसमें दो जमा कर दें तो अल्केन का बन गया, इसमें से 2 माइनस कर दें अल्काइन का बन गया। इधर फर्क क्या है, सिर्फ ए ई और वाई का, ए आ जाए तो अल्केन, ई आ जाए तो अल्कीन, वाई आ जाए तो अल्काइन। असल में अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होता है डबल, और अल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, दो कार्बन। दूसरी मैंने जो खूबसूरत लिखी है वो है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ ली कि जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने कंपाउंड उसमें होंगे होमोलोगस सीरीज में, उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तीसरा है सेम प्रिपरेशन मेथड, उनको तैयार करने के तरीके सेम होंगे, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी तैयारी के उनकी प्रिपरेशन के तरीके सेम होंगे। चौथी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा लेकिन रेगुलर, जैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं होगा कि आगे जाके कम होने लग जाए, पहले 5-10 पे बढ़े फिर अगले पे कम होने, ऐसा नहीं होगा। अगर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, कम होंगे तो कम होंगे, रेगुलर चेंज आएगा। उसके बाद डिफरेंस ऑफ CH2 and 14 Al2 इन सक्सेसिव मेंबर, हर अगले मेंबर में पिछले से CH2 का फर्क होगा, यानी CH2 ज्यादा होगा, और 14 एटॉमिक मास का फर्क होगा, यानी अगर इसका मास 15 है तो अगले का 29 होगा, 15 और 14 29, उससे अगले का 43 होगा क्योंकि 29 और 14 43, तो इसका मतलब है हर अगले मेंबर में 14 मास का फर्क होगा। इनका जनरल फार्मूला CnH1+1 हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस 2 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गई तो प्लस 1 बच गया, एक निकल गया। जैसे मैंने यहाँ लिखा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, आप अगले भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ 5 लिखे,
इनके फार्मूले लिखे मैंने, इनके फार्मूले आपको लिखने सिखाए थे पहले, जितनी कार्बन है हाइड्रोजन का डबल करके दो प्लस कर लें, जैसे इधर एक कार्बन है, एक का डबल दो, दो में दो जमा किया चार हाइड्रोजन, दो कार्बन दो है, दो का डबल किया तो चार, चार में दो जमा किया छह हाइड्रोजन, तीन, तीन का डबल छह, छह में दो जमा किया आठ, चार, चार का डबल आठ, आठ में दो जमा किया दस, पांच, पांच का डबल दस, दस में दो जमा किया बारह। तो ये आपके पांच अल्केन मेंबर। अब इनमें से अगर आपने अल्काइल बनाया तो कैसे, इधर चार हाइड्रोजन इनमें से एक निकाल है, तीन रह गए, एक बार खाली हो, छह हाइड्रोजन से पांच रह गए, आठ से सात रह गए, दस से नौ रह गए, यानी एक हाइड्रोजन निकाल लिया और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल लिया, जहां से हाइड्रोजन निकलेंगे उसके साथ एक बार खाली कर दें। अब इनके नाम देने का तरीका मैंने इधर दूर लिखा है कि आपने जो अल्केन के एन में ए एन ही आ रहा है ना, ए एन की जगह बाया लिखते हैं, ए एन काट के बाया लिखते हैं, जैसे पी एन टी ए एन ही है, ए एन ही काट के पेंट बचा उसके साथ बाया लिखते हैं, पेंटाइल नाम बन गया से, ब्यूटेन में ए एन ही काट के बाया लिखे ब्यूटाइल, प्रोपेन में एन काट के बाया लिखे प्रोपाइल, इथेन में ए एन ही काट के बाया लिखे इथाइल, मीथेन में ए एन ही काट के बाया लिखे मिथाइल। तो ये आपके पास इनके नाम देने का तरीका आ गया, यानी हमने ये पढ़ा अल्काइल एल्केन कैसे बनते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने से, और उनका नाम कैसे देते हैं, ए की जगह वायल में, ठीक हो गया। यह आज का हमारा टॉपिक था, इसके साथ शुरू है, अल्लाह हाफिज़।